वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, पक्का 14 दिन के बाद मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। जैसे 14 दिन पहले मैंने इस छोटा सा मिनी बैरल में ब्लेंडर स्प्राइट दो बोतल को डाला था और 14 दिन धरे बैठे थे कि कब वो टाइम आएगा, वो क्षण आएगा जब आपके साथ मैं शेयर करूंगा इसका टेस्ट प्रोफाइल, इसका कलर, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस ब्लेंडर स्प्राइट का। तो आज वो दिन आ चुका है फ्रेंड्स, आज हम लोग इसको करेंगे, आज हम लोग टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियोस में मैंने क्या बताया, अगर आपने वो नहीं देखा तो ये वीडियो भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पिछले दो वीडियो का यहाँ पर मतलब आई बटन में लिंक दे रखा हूँ, इवन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके आप फर्स्ट एपिसोड एंड सेकेंड एपिसोड देख लीजिए, जहाँ पर मैंने बताया ये क्या है, उसका अनबॉक्सिंग और इसका यूज कैसे करते हैं। पिछले वीडियो से हम लोग ये भी जाना कि वुडन बैरल कितना बड़ा रोल प्ले करता है जब भी कोई व्हिस्की बनता है। मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कारण व्हिस्की में कलर आता है, व्हिस्की में फ्लेवर आता है, व्हिस्की में अलग अलग कैरेक्टर को ऐड करता है, टेस्टिंग नोट को चेंज करके रख देता है, मतलब बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। व्हाई व्हाइट अमेरिकन ओक बैरल को हमेशा चुना जाता है व्हिस्कीज को मैच्योर करने के लिए, आपके मन में भी शायद ये क्वेश्चन है, तो उसके लिए चार पॉइंट है, वो ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओक वुड कंटेंट्स मोर हेमिसेल्यूलोज, जब बैरल्स को चारिंग किया जाता है या जलाया जाता है अंदर से, इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर एंड कैरामेल। जब अल्कोहल उस सरफेस के कांटेक्ट में आता है तब उस ऊट से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करता है अल्कोहल में, जैसे कि अरोमा, टेस्ट, कलर, ये सब। नंबर टू पॉइंट में मैं बोलूंगा, ओक हैज एन आइडियल पोरोसिटी फॉर गैसेस, जो अलाउ करता है माइक्रो ऑक्सीजनेशन इन द लिक्विड, और इस प्रोसेस से अनडिजायरेबल कंपाउंड्स को फिल्टर करने में सक्षम होता है और डिजायरेबल एरोमेटिक कैरेक्टर को इंक्रीज भी करता है। नंबर थ्री पॉइंट में मैं बोलूंगा, ओक वुड हॉट वाटर एंड फायर के कारण बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसके कारण उसको बेंड करके कास्क का शक्ल देने में ज्यादा परेशानी झेलना नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा बात की इट्स स्वेल्स, मतलब एक्सपैंड करता है, परफेक्ट सील करता है बैरल को, लीकेज और लॉस से बचाता है विदाउट यूजिंग ग्लू और नेल्स। और लास्ट पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओक वुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एक्चुअली एनवायरमेंटल हैजर्ड है, इसका सामना करने में सक्षम होता है और खुद नेचुरल प्रोटेक्शन भी कर सकता है। तो इसीलिए ओक वुड को हमेशा चुना जाता है जब भी व्हिस्कीज को मैच्योर किया जाता है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मेरे पास ऑलरेडी सैंपलिंग है, जैसे कि मैं आपको बताया था 3 दिन 5 दिन और 9 दिन जो मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा था, और आज अभी तुरंत मैं देखूंगा कि फाइनल प्रोडक्ट मतलब 14 दिन के बाद इसका कलर क्या आया है और इसका टेस्ट में क्या क्या डिफरेंस है। तो मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर को मैं रिफिल भी करूंगा, और उसके लिए मैं एक छोटा सा शॉट ग्लास यूज करूंगा। याद रखिएगा कि जब भी आप पोर कीजिएगा इसमें, अगर आप बंक को खोलिएगा तो देखिए निकल रहा है, बट ऑल ऑफ सडन बंद भी हो जाएगा, ये देखिए बंद हो रहा है, देखिए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आप खोलिएगा तो बंक को पहले खोल दीजिए, एयर टाइट हो जाता है, बंक को अगर खोल देंगे तो ये ऑटोमेटिक फ्री फ्लो होगा, ये देखिए फ्री फ्लो हो रहा है। तो ये मैं पास में रखूंगा और इसको मैं डालूंगा, और जो मेरे पास फनल था उस फनल से मैं इस बॉटल में डाल दूंगा। एक बात कीजिएगा या नोटिस कीजिए कि ये जो फनल है इसके ऊपर भी माय व्हिस्की बैरल का एनग्रेव किया गया है, यहां पर देखिए एनग्रेव किया हुआ है। आइए अभी मैं इसको डालता हूं, व्हिस्की इसको डालता हूं, तो ये देखिए यह है फाइनल प्रोडक्ट, मतलब 14 दिन के बाद इसका कलर। अगर मैं 9 डेज के बाद जो कलर आया था अगर दोनों को सामने रखूं तो आपको समझ में आ जाएगा, तो गौर कीजिए। देखिए 9 डेज का जो कलर है यह है ये, और 14 डेज के बाद यह है ये, मतलब 14 डेज जो है ये काफी डार्क हो चुका है एज कम्पेयर टू 9 डेज, मतलब स्लोली ये इसका कलर जो है डेवलप करता है धीरे धीरे। मैं एक चीज दिखाऊंगा, मैंने 3 दिन के बाद ये सैंपल को मैंने कलेक्ट किया था इस वुडन बैरल से ब्लेंडर स्प्राइट को,
और तीन दिन के बाद इसका जो कलर है बहुत लाइट है, मतलब एज लाइक ब्लेंडर स्प्राइट, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं आया। बट यू नो ये पांच दिन का सैंपल, देखिए ये थोड़ा डार्क लग रहा है ऑलरेडी, मतलब एज कम्पेयर टू थ्री डेज, ये फाइव डेज का जो यू नो रिजल्ट है वो काफी डार्क लग रहा है, मतलब असर दिखाने लगा है ये फाइव डेज के बाद ही। अब मैं अगर थ्री डेज का जो है इसको नोट करूं तो ये ना काफी स्पिरिट टेस्ट कर रहा है, मतलब तभी भी इसमें वो वुडन बैरल का इफेक्ट नहीं आया है। बट फाइव डेज का जो मतलब स्पिरिट है, मैं इसको अगर करता हूं तो फिर ये काफी मिलोड हो चुका है, मतलब इसमें ऑलरेडी ऊट का जो रिएक्शन है वो कर चुका है ये ऊट रिएक्शन। और अगर नाइन डेज का जो रिजल्ट मेरे पास है उसका अगर बात करूं तो मैं बस नोस करता हूं, ये काफी चेंज हो चुका है, मतलब ये काफी मिलोड हो चुका है, मतलब वुडन बैरल का जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है इसके साथ, ऑलमोस्ट ये रेडी है। बट हमने क्या किया, 14 दिन तक रखा और 14 दिन के बाद यह है फाइनल रिजल्ट जो काफी डार्क कलर का विस्की है। और वाह 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 क्या बताएं, लॉट्स ऑफ वनीला एंड बैलेंस्ड वुडी नोट्स, बहुत बहुत फैंटास्टिक विस्की बन चुका है ये। ब्लेंडर स्प्राइट आप यू नो स्मेल कर रहे हैं आपको समझ भी नहीं आएगा, गारंटी दे सकता हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं थोड़ा टेस्ट करूं, तो इसके लिए मैं थोड़ा बैरल को साइड रखूंगा और विस्की को टेस्ट करने के लिए मैं ग्लासेस मंगवाऊंगा। आ गया मेरा ग्लासेस, तो मैं पहले बताऊंगा कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। सो अगर कलर का बात करूं तो कलर काफी डार्क है आप देख सकते हैं, और मैं नोज में थोड़ा सा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा कि ब्लेंडर स्प्राइट का जो स्पिरिट टेस्ट है वो बिल्कुल गायब हो चुका है, सिर्फ 14 डेज का रिजल्ट है, 14 डेज का रिजल्ट, आप सोचिए स्पिरिट टेस्ट गायब है और ये काफी मिलोड हो चुका है, लॉट्स ऑफ वुडी नोट्स यहां पर घुल मिल चुका है, साथ में वनीला नोट्स, समहाउ मुझे थोड़ा सा हनी नोट्स भी मिल रहा है, थोड़ा स्पाइसी और बन चुका है। एक बात मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा, जब मैं ये बैरल को अपना स्टूडियो में मैच्योर कर रहा था तब ना जब भी हम लोग स्टूडियो का दरवाजा खोलते थे हम लोगों को वेनिला का और वो जो ऊट का जो फ्रेग्रेंस है बहुत मस्त मिलता था, क्या मजा आता था। तो अभी थोड़ा पैलेट में लेके देखते हैं कैसा लगता है। सुपर स्मूथ, मैं ब्लेंडर पी रहा हूं मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि हालांकि हम लोग एक्चुअली एक बजट फ्रेंडली विस्की पी रहे हैं बट सच में बता रहा हूं कि आप एहसास भी नहीं कर पाएंगे कितना स्मूथ बन चुका है। अगर आप इसको इस प्रोडक्ट को किसी के साथ चैलेंज करते हैं वुडन बैरल में मैच्योर करके वो भी ना समझ नहीं पाएगा कि आप उसको कौन सा प्रीमियम विस्की पिला रहे हैं। काफी वुडी नोट्स साथ में लॉट ऑफ वेनिला एंड बिट ऑफ स्पाइसीनेस जो बैक थ्रोट में मुझे मिल रहा है, जब ये ट्रेलिंग डाउन हो रहा है तब मैं एहसास करता हूँ इसका वार्मनेस का। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं एक अच्छा ब्रांड आपके सामने लाता हूँ और उसके साथ करता हूँ, तो ये लीजिए आ गया। तो मैं पहले जॉनी वॉकर के साथ ब्लेंडर स्प्राइट का कंपेयर करूंगा, आप एक बार सोचिए किसके साथ किसका कंपेयर किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वुडन बैरल के लिए। तो चलिए जॉनी वॉकर थोड़ा पोर करते हैं, एक्चुअली जॉनी वॉकर थोड़ा सा वुडी विस्की है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पहले टेस्ट किया जाए। चलिए एक बार थोड़ा टेस्ट करते हैं जॉनी वॉकर को, थोड़ा पीच स्मोक, वुडी, नटी एंड बिट स्पाइसी, वेर एज ब्लेंडर स्प्राइट, जी हाँ ब्लेंडर स्प्राइट को मैं अभी कंपेयर करूंगा जॉनी वॉकर के साथ आफ्टर 14 days of maturation. Friends,
ट्रूली मैं बता रहा हूं कि आप सच में कंपेयर कर सकते हैं दोनों ब्रांड को एक साथ। मैं शिवास के साथ भी कंपेयर करूंगा तो, और शिवास एक स्पेशल विस्की है जो मोस्टली फ्रूटी काइंड ऑफ विस्की है। क्या मैं ब्लेंडर्स के साथ शिवास को भी कंपेयर कर सकता हूं? किसके साथ किसका कंपेयर हो रहा है बस सोचिए। इट्स हनी, लॉट ऑफ वनीला और काफी फ्रूटी इन नेचर। तो मैं ब्लेंडर्स को थोड़ा सा और डालूंगा और मैं टेस्ट करूंगा एक बार फिर। बार बार बोल रहा हूं कि वनीला नोट्स जो है काफी हद तक बढ़ चुका है, राइप एप्पल का नोट मिल रहा है अभी मुझे ब्लेंडर से। मैं देख रहा हूं कि जितना देर तक मैं व्हिस्की को रेस्ट कर रहा हूं यहां पर रख के, उतना ही इसका जो फ्लेवर है वो एक्सप्लोर कर रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है ये बात। तो फाइनली आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस बैरल में हम क्या एज्ड व्हिस्की को भी डाल सकते हैं? तो मेरा आंसर है बिल्कुल आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपको कैसा टेस्ट प्रोफाइल चाहिए। एजिंग का कोई लिमिट नहीं होता है, ऐसा जो भी इंडिया में व्हिस्कीज मिलता है वो तो एज होता ही नहीं है। अगर मैं स्कॉच का बात बोलूं तो हाँ बिल्कुल एज व्हिस्की है, बट आप उसको और भी ज्यादा एज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डिजायर फ्लेवर अचीव ना होने तक आप उसको कंटिन्यू एज भी कर सकते हैं। कैसे करना है? सिंपल है। मान लीजिए आपने टीचर्स को डाल दिया इस बैरल में, और बैरल में डालने के बाद आप एक छोटा सा कंटेनर ले लीजिए। 1 वीक के बाद आप इस टैप को खोलिए, खोल के देखिए और टेस्ट कीजिए। अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो कोई बात नहीं, अगर ठीक नहीं लगता है, आपका डिजर्व फ्लेवर अचीव नहीं हुआ है, तो आगे बढ़िए, तो और आगे बढ़िए। बट अगर आइडियली मैं आपको बोलूं तो मैं बोलूंगा कि आप 1 महीना मतलब 30 डेज को आप एज कर सकते हैं। इसमें आपको जो रिजल्ट देगा वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि जैसे ही आपका ये 14 दिन का मैचुरेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इस बैरल को पूरा खाली कर लीजिए, व्हिस्की को डाल दीजिए एक कंटेनर में और आपका बैरल में पानी डाल के रख दीजिए। और हाँ, अगर आपको नेक्स्ट बैच शुरू करना है तो फिर से हॉट वाटर से इसको धो लीजिए और फिर आपका पसंदीदा व्हिस्की राम जीन वोडका को अंदर में डाल दीजिए मैचुरेशन के लिए। दैट्स ऑल। व्हिस्की क्राफ्टिंग इज एन आर्ट, और इस आर्ट को और भी आसान बनाने के लिए माय व्हिस्की बैरल हमेशा तैयार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी लास्ट में जाते जाते एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा और वो होगा अगला वीडियो का, मतलब मेरे पास और एक बैरल है ये, और इस बैरल में मैं डालूंगा व्हाइट स्पिरिट को, टकीला को। तो ये मेरा जगह जो है कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। मेरे पास एक बैरल ऑलरेडी पड़ा है जिसको मैंने हॉट वाटर से ऑलरेडी रेंज कर लिया, अब ये रेडी टू यूज है। तो मैं इसमें डालूंगा और मैं डालूंगा टकीला। ये व्हाइट स्पिरिट को मैं 14 दिन के बाद आपके पास बैरल से निकालूंगा और इसका टेस्ट करूंगा कि ये कैसा हुआ है। आप अगर चाहे तो वोडका भी डाल सकते हैं जो लोकल वोडका है, आप अगर चाहे तो देसी दारू भी डाल सकते हैं। जी हाँ, देसी दारू भी डाल सकते हैं, बट मैं आज डालूंगा टकीला। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो देखते रहिएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल नेम कॉकटेल नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। मैं तब तक इसको मैच्योर करता हूँ। बाय बाय।